हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मशीन पॉइंट। आप देख रहे हैं मशीन पॉइंट। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको टेक्निकल नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। फ्रेंड्स, ये डुअल ब्रेक वाल्व और ये जो सर्किट आप देख रहे हैं, ये हैवी कॉमर्शियल व्हीकल की ब्रेकिंग सिस्टम की सर्किट है, जिसमें डुअल ब्रेक वाल्व इंडिकेट किया गया है और चार एक्चुएटर है जो ब्रेक को अप्लाई करती है। आज मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊँगा कि इसे असेंबल कैसे किया जाता है। तो चलिए, ये हम लोगों ने डुअल ब्रेक वाल्व को डिसमेंटल कर रखा है। ये है ब्रीदर, जो कि डुअल ब्रेक वाल्व की दो पार्ट में होते हैं। ये है आपकी प्रेशर स्विच, ये है उसकी वेबको की है, वहाँ पे पार्ट नंबर दिए गए हैं। ये है पिस्टन, जो कि रिले की पिस्टन है। इसमें तीन ओरिंग आती हैं, दो बड़ी वाली एक छोटी वाली। तो चलिए, अब हम सब पार्ट्स को देख लेते हैं और समझ लेते हैं। और ये है ऊपर वाली भाग, जिसमें एक मेन प्रेशर स्विच है और दो स्टॉप लाइट की प्रेशर स्विच है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम देखते हैं। ये है प्रेशर स्विच एक और ये दो, दूसरी नंबर। इसमें दो टैंक है, इसलिए दो मेन प्रेशर स्विच है जो इंडिकेट करती रहती है कि हमारे टैंक में कितने एयर हैं। तो चलिए, ये है मेन पिस्टन, जिसे ये स्टक होने की वजह से इसमें प्रॉब्लम हो रही थी, ब्रेक जल्दी से रिलीज़ नहीं हो रही थी दबने के बाद पैडल। ये है फिल्टर और ये है रिटेनर स्प्रिंग बड़ी वाली, और ये एक छोटी वाली वाल्व की रिटेनर स्प्रिंग है। और ये इसकी ओरिंग्स हैं जो पिस्टन के ऊपर आएंगी। ये एक एग्जॉस्ट वाल्व की सील है और ये स्प्रिंग रबर स्प्रिंग है। फ्रेंड्स देखिए, ये है प्लंजर, जिसे हम लोग पुश करते हैं और पिस्टन पुश होता है और हमारी ब्रेक अप्लाई होती है और छोड़ने से रिलीज़ हो जाती है। तो चलिए, ये हम लोगों ने रबर स्प्रिंग को पिस्टन के अंदर में डाल लेना है। फ्रेंड्स, इसमें अच्छी तरीके से ग्रीस अप्लाई करेंगे और इसके बाद हमें पिस्टन के अंदर डाल लेनी है, उसके ऊपर से रिटेनर डालनी है और उसे लॉक कर लेनी है। ये है रिटेनर। चलिए, इसके ऊपर से एक कवर डालते हैं। कवर डालने के बाद हमें इसे सर क्लिप से लॉक कर लेनी है। चलिए फ्रेंड्स, इसे हम किसी चीज़ से प्रेस कर लेंगे। चलिए इसको ड्राइवर से प्रेस कर लेते हैं। इसे प्रेस करने के बाद इस सर क्लिप को हम इसमें डाल लेते हैं और ये सर क्लिप अच्छी तरीके से डालें फ्रेंड, अदरवाइज़ ये दबने के बाद वो अगर बाहर आ जाएगा तो आपकी जो ब्रेकिंग सिस्टम है उसमें प्रॉब्लम आ सकती है और ये सही से हमारी डुअल ब्रेक वाल्व वर्क नहीं करेगी। तो इसे अच्छी से हमें चेक कर लेनी है और इसे बिठा लेनी है सही तरीके से। ये मेन पिस्टन है फ्रेंड, जो ये ऊपर वाली जो टॉप वाली भाग है उसमें रहती है ये। चलिए, ये इसके अंदर जो डालनी थी हम लोगों ने डाल दिया है। अब चलते हैं। ये है फिल्टर, फिल्टर के अंदर से एक ओरिंग रहेंगे और एक बाहर से रहेंगे ओरिंग। तो चलिए, हमें इसे डाल लेनी है इस फिल्टर में ओरिंग, ताकि जो एयर है वो फिल्टर होकर ही इसके अंदर जाए और इसमें कुछ पार्टिकल्स इसके अंदर ना जाए, ताकि हमारे पिस्टन जो है वो स्टक हो जाए। इसकी वजह से ये फिल्टर दिए गए हैं। तो चलिए, अब हम इसे वाल्व सील को डाल लेते हैं। उसके बाद हम एक रिटेनर स्प्रिंग डालेंगे, फिर ऊपर से हम फिल्टर डालेंगे, फिर इसे भी सर क्लिप डाल के इसे हम लॉक कर लेंगे। ये हमारी एग्जॉस्ट लाइन की हो गई है। तो चलिए, हमें इसे किसी चीज़ से प्रेस कर लेनी है। प्रेस करने के बाद इस सर क्लिप को लॉक कर देनी है इसमें, और ये सर क्लिप अच्छी तरीके से लॉक होनी चाहिए, ताकि हमें किसी तरह से फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ना हो या प्रेस होने के बाद ये निकले नहीं। तो चलिए, हमें इसे अच्छी तरीके से दबाने के बाद इस सर क्लिप को सर क्लिप प्लेयर से उसके अंदर डाल लेते हैं, उसके ग्रूव में सर क्लिप को बिठा लेते हैं, ताकि ये हमें किसी तरीके से परेशानी ना झेलना पड़े। तो चलिए, इस हम बिठा लेते हैं और इसे चेक भी कर लेंगे अच्छी तरीके से कि ये बैठे हैं कि नहीं। तो स्क्रू ड्राइवर से ही हमें इसे टचअप करके देखना होगा कि ये सही से बैठे हैं या नहीं। फ्रेंड्स, ये हमेशा याद रखिए कि कभी भी सील और ओरिंग अगर आप डालते हैं तो उसमें ग्रीस अप्लाई करना ना भूलें। और अच्छे से ग्रीस अप्लाई करने से क्या होती है कि हमारी जो सील की जो लाइफ है और सील जो कटने की चांसेस है वो बहुत हद तक कम हो जाती है, पॉसिबिलिटीज़ कम हो जाती है सील डैमेज होने की।
तो चलिए ये अब पिस्टन में हम लोग डाल लेते हैं ओरिंग। फ्रेंड्स ये है मेन पिस्टन, ये मेन पिस्टन में हम लोग ओरिंग डाल लेते हैं जो ऊपर वाली भाग में है, जिससे हम प्लंजर से प्रेस करते हैं, वो वाली पिस्टन है। इसकी बीच में एक ओरिंग रहेगी और दोनों साइड में बफर सील रहेंगे, तो इसे हमें ग्रीस अच्छी तरीके से लगा लेनी है और इसकी बॉडी में भी ग्रीस अच्छी तरीके से लगा लेनी है हमें। लगाने के बाद इसमें कुछ ऑयल हम लोग डाल लेंगे ताकि ये फ्रिक्शन हो और आसानी से हमारी सील जो हम लोगों ने डाली है वो बिना प्रॉब्लम के इसके अंदर आसानी से चले जाए और किसी तरह की प्रॉब्लम ना करे। फ्रेंड ये देखिए ये बफर सील है जो इस पिस्टन के ऊपर में आएंगी ओरिंग के दोनों साइड में, तो इस बफर सील को आसानी से हमें डाल लेनी है ताकि ये सही तरीके से इसके ऊपर बैठ जाए और जब मैं इसे डालूं उसकी बोर में तो ये आसानी से चली जाए और ये बाहर ना आए। तो इसे ये हमेशा ही ध्यान से इस बफर सील को डालनी है क्योंकि ये कट वाली बफर सील है और फुल प्लास्टिक टाइप की है ये, तो इसे हमें बिठा लेनी है अच्छी तरीके से। देखिए इसे डालने के बाद इसे अच्छी से दबा लेनी है और ऊपर से ग्रीस से इसे फिलअप कर देनी है ताकि अगर इसके ऊपर किसी तरह की प्रेशर भी आए तो वो ग्रीस के ऊपर ही आए और ये सील हमारी आसानी से इसके अंदर चली जाए। तो चलिए अब हम इसमें कुछ ऑयल डाल लेते हैं ताकि हमें इसके पिस्टन को अंदर जाने में किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं आए। फ्रेंड्स ये वेबको की डुअल ब्रेक वाल्व है, इसे डुअल ब्रेक वाल्व इसलिए कहा जाता है कि इसमें डुअल सर्किट वर्क करती है। इसमें दो टैंक होते हैं, दोनों टैंक से इसमें इनपुट होती है और इसमें दो आउटपुट होती है जो कि एक फ्रंट ब्रेक के लिए और एक रियर ब्रेक के लिए जाती है। रियर में 4 एक्चुएटर होते हैं और फ्रंट में 2 एक्चुएटर होते हैं। तो चलिए अब हम स्प्रिंग डाल लेते हैं, उसके बाद इसके ऊपर से पिस्टन डालेंगे और पिस्टन को भी हम सरक्लिप से लॉक कर लेंगे। तो चलिए ये उससे पिस्टन के ऊपर हम लोग डस्ट कवर डाल लेते हैं ताकि वो डस्ट जो है इसके अंदर ना जाए और हमारी पिस्टन जो है वापस स्टक ना हो जाए, इसलिए डस्ट कवर बहुत ही ज़रूरी होती है। तो चलिए हम डस्ट कवर डाल लेते हैं, ये इम्पोर्टेंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि डस्ट कवर होना ही चाहिए, अगर नहीं हो तो ये इसकी लाइफ जो है वो कम हो जाएगी, सील की जो लाइफ है वो कम हो जाएगी। तो चलिए इसे अच्छी से प्रेस करने के बाद डस्ट कवर को ग्रूव के अंदर तक ले जानी है और हमारी सरक्लिप जो है उस ग्रूव में बिठा देनी है। तो चलिए अब हम इसे हम लोगों ने प्रेस कर लिया है और सरक्लिप को अब डालेंगे, इसमें सरक्लिप डाल के इसे लॉक कर लेंगे। चलिए ये हम लोगों ने डाल लिया, अब सरक्लिप डालते हैं और इसे लॉक कर लेते हैं ताकि ये हमारी पिस्टन जो है वापस ना आए। चलिए हम लोगों ने डाल लिया इसे, अब इसे चेक कर लेते हैं प्रेस करके ये सही से वर्क कर रही है या नहीं कर रही है। चलिए फ्रेंड्स अब रिले की पिस्टन में हम लोग ओरिंग डाल लेते हैं और इसे चेक भी कर लेंगे। इसमें एक छोटी वाली ओरिंग आएगी, ये रिले की पिस्टन है जो कि क्विक रिटर्न वाल्व भी बोल सकते हैं इसे, एक्चुअली क्विक वो एटमॉस्फेयर में रिलीज़ कर देती है एग्जॉस्ट एयर को ब्रेक प्रेश रिलीज़ करने के बाद। इसमें दो ओरिंग आएगी, ये दोनों ओरिंग को हमें डाल लेनी है और अच्छे से ग्रीस अप्लाई कर लेनी है इसके ऊपर ताकि ये हमारी जो ओरिंग की जो कटने की पॉसिबिलिटीज़ है वो कम हो जाए और ये आसानी से चले जाए। चलिए अब हम लोगों यहाँ भी हम लोगों को ग्रीस अप्लाई कर लेनी है, उसके बाद फिर उस जो पिस्टन को हम लोग डाल के चेक कर लेंगे कि हमारी वो सही तरीके से इसके अंदर आ रही है या नहीं आ रही है या किसी तरह से प्रॉब्लम हो रही है। तो चलिए अब हम पिस्टन को चेक कर लेंगे इसमें डालकर कि ये सही तरीके से इसके अंदर में बैठ रही है कि नहीं अपने पोजीशन पे। फ्रेंड्स ये क्विक रिटर्न वाली पिस्टन है जिसे हमें रिले पिस्टन भी कहते हैं जिसे हम, तो
तो इसे हम लोगों ने चेक कर लिया है। अब इसमें इसकी बॉडी के ऊपर एक ओरिंग डाल देनी है ताकि हमें कोई एयर जो है कहीं से रिटर्न या लीक ना हो जाए, ताकि ब्रेकिंग सिस्टम में प्रॉब्लम ना हो, इसलिए हमें इसे ओरिंग को बॉडी पे डाल देनी है। और ओरिंग के ऊपर ग्रीस हमें अच्छी तरीके से अप्लाई कर लेनी है ताकि ये हमें प्रॉब्लम ना करे। चलिए अब हम रिले वाली पिस्टन को डाल लेते हैं और इसकी नीचे वाली जो पार्ट है ड्यूल ब्रेक वाल्व की, उसे हम अटैच कर लेते हैं और इसे टाइट कर लेंगे बोल्ट से। फ्रेंड्स, ये जो चार होल देख रहे हैं, इसमें दो होल जो है वो हमारी प्रेशर इनपुट की है जो कि दोनों टैंक से आएगी, और इसमें दो आउटपुट है जो कि हमारी फ्रंट एक्चुएटर को जाएगी और रियर एक्चुएटर को जाएगी यहाँ से। तो चलिए अब हम इसे टाइट कर लेते हैं। इसमें दो मेन प्रेशर स्विच हैं जो कि दोनों टैंक की प्रेशर हमें शो करती है इंस्ट्रूमेंट पैनल पे, और दो प्रेशर स्विच जो हैं, ये बड़ी वाली जो प्रेशर स्विच हैं वो मेन प्रेशर स्विच हैं जो दोनों टैंक की है, जो हमें प्रेशर शो करती है ये वाली, और छोटी वाली जो प्रेशर स्विच है वो हमारी व्हीकल स्टॉप लाइट की प्रेशर स्विच है, और ये हमारी हॉर्न की कनेक्शन की पॉइंट है जहाँ से हॉर्न अप्लाई होता है। तो चलिए अब हम इसके ऊपर में प्लंजर रख लेते हैं जो जिसे हमें पुश करनी है। इससे ही पिस्टन को पुश किया जाता है, तभी हमारी ब्रेक अप्लाई और रिलीज होती है। तो फ्रेंड्स, ये ऑलमोस्ट हमारी जो ड्यूल ब्रेक वाल्व है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुके हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और कमेंट्स है तो कमेंट्स करें, और किसी तरह की प्रॉब्लम है तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं, उसका मैं रिप्लाई दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।